हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोसाइनो डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड है कैसी? अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और पालना चाहते हो टोसाइनो, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्या क्या कलर होते हैं इस डॉग ब्रीड के, आपको इसका ब्रीडर कहाँ मिल जाएगा और क्या प्राइस रहता है, सारा आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप टोसाइनो पालना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयल्टी के मामले में। लॉयल्टी के मामले में ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये घर वालों के लिए अपनी जान दे सकती है, इतनी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग की, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं ट्रेनिंग के मामले में। ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है। एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरे डॉग के लिए भी, कैट के लिए भी और दूसरे ह्यूमन के लिए भी। तो बचपन से सोशलाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस डॉग ब्रीड को, वरना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, बाद में संभालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। इस डॉग ब्रीड को अपार्टमेंट में रख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते इस डॉग ब्रीड को अपार्टमेंट में, क्योंकि ये डॉग ब्रीड लार्ज साइज़ की होती है और काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। अगर आप रखना चाहते हो इस डॉग ब्रीड को, तो आपको काफ़ी बड़े घर की ज़रूरत होगी, जिधर आपके पास बैक यार्ड हो या थोड़ा सा आगे स्पेस हो, जिधर आप ये डॉग ब्रीड आराम से घूम लें, तो आपके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड साबित हो सकती है। अदरवाइज छोटे अपार्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है और घर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मतलब 3 BHK के लिए भी नहीं है ये डॉग ब्रीड। इसे एक प्रॉपर घर चाहिए लार्ज साइज का, तभी आप रख सकते हो टोसाइनो। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है ये डॉग ब्रीड, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस डॉग ओनर मांगती है। अगर एक्सपीरियंस डॉग ओनर ना हो तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा खुखार हो सकती है। पहले इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए होता था जापान में, तो इस हिसाब की डॉग ब्रीड है ये, काफ़ी एग्रेसिव भी है, तो इसे एक कॉन्फिडेंट डॉग ओनर की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का आप खास ध्यान देना, अगर आप टोसाइनो पालना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस डॉग ओनर होना ज़रूरी है। इस डॉग ब्रीड में आपको दो कलर देखने को कॉमन मिल जाते हैं, एक तो रस्ट कलर होता है, दूसरा जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। ये दो ही कलर मिलते हैं मोस्टली, बाकी और कोई कलर इजीली अवेलेबल नहीं होता इनमें। कोल्ड क्लाइमेट में अगर आप रखते हो तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हॉट क्लाइमेट के लिए अच्छे तरीके से रह जाती है डॉग ब्रीड। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन बचपन से रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े होकर रखते हो बच्चों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगी ये डॉग ब्रीड। एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट इस डॉग ब्रीड को होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको हमेशा बाहर लेके जाना पड़े, मतलब 2 टाइम की वॉक इन डॉग के लिए सफिशियंट है। और बात करते हैं इनकी प्राइस की, क्योंकि मेन बात यहीं पे आगे ख़त्म होती है। तो अगर प्राइस की बात करते हैं तो आपको इस डॉग ब्रीड के लिए काफ़ी ज़्यादा पे करने को पड़ सकता है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड के जो ब्रीडर हैं वो इंडिया के अंदर ना के बराबर है, मतलब 1 या 2 ही डॉग ब्रीडर होंगे। तो अगर आप ये डॉग ब्रीड पालना चाहते हो तो पहले आपको उन डॉग ब्रीडर को ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और काफ़ी कॉस्टली डॉग ब्रीड है, या फिर आप इम्पोर्ट करा सकते हो डायरेक्ट जापान से। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं अगर आप ये डॉग ब्रीड पालना चाहते हो तो, इस बारे में सोच सकते हो। वरना ये डॉग ब्रीड की अभी तक जितना इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर फाइटिंग के लिए होता है, डॉग फाइटिंग के लिए। अगर आगे चल के ये डॉग ब्रीड अगर पॉपुलर होती है तो इसका मोस्टली काम वर्किंग डॉग के तौर पर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छी डॉग ब्रीड है अगर ट्रेन ईजिली होने लगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग पालते हैं तो वो मोस्टली ट्रेनिंग भी नहीं देते। इस चक्कर में इसकी ट्रेनेबिलिटी के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड नहीं है। बाकी जब कॉमन हो जाएगी तब आगे पता चलेगा ये कैसी डॉग ब्रीड है ट्रेनिंग के मामले में भी। तो ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो अपने दोस्त के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होती जय हिंद दोस्तों।